करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। काय मोने भगत, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों में रायमुनि भगत, जो कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बीजेपी विधायक है, जिन्होंने अपने कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह की घोर निंदा की थी, जिसमें उसने ये कहा था कि यीशु मसीह, वही यीशु मसीह जिसको कीलों पर ठोक दिया गया, वो खुद को नहीं बचा पाया तो दूसरों को क्या बचाएगा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने अपमान किया और एक विशेष समुदाय मसीह समाज को उन्होंने टारगेट करके उनके धार्मिक भावनाओं का आहत पहुंचाया। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ के मसीही भाई बहनों ने, जशपुर जिले के जितने भी मसीही भाई बहन हैं, उन्होंने रायमुनि भगत के खिलाफ में FIR दर्ज कराया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ में कोई FIR दर्ज नहीं किया, बल्कि मसीही लोगों को ही गिरफ्तार किया। इस बात को लेकर मसीह समाज में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया। और मेरे प्रिय, जो आपको वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, ये अब तक की महारैली है। अभी जो मसीही भाई बहन हैं, पूरे आक्रोश में आकर सड़कों पर उतर आए हैं, हजारों की तादाद में रायमुनि भगत के खिलाफ में FIR दर्ज कराने के लिए और उसे गिरफ्तार कराने के लिए, और रायमुनि भगत को बीजेपी के विधायक पद से हटाने के लिए मसीह समाज ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और लगातार सड़कों पर उतर कर उनका विरोध प्रदर्शन कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियो क्लिप्स को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। हम लोगों का मांग है सर, हम लोगों का मांग है रायमुनि को तत्काल अरेस्ट किया जाए, रायमुनि को तत्काल अरेस्ट किया जाए और जेल भेजा जाए। सर, इसी जशपुर के थाने में सर, हमारे ऊपर में भी अरेस्ट हुआ गया है। आप लोग पुलिस वाले लोग कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नहीं पाया गया है, इसलिए फैना दे दिया गया है। उसका त्रुटि साबित नहीं हुआ है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल। रायमुनि जो जो बयान करी है वीडियो में, देखिए उसको पूरा सभी प्रकार से जांच करने से, और भी भाग थे वीडियो के, वो भी संकलित किया गया, जांच किया गया है। जांच किए जाने पर संगे अपराध नहीं पाया गया, इसलिए फैना दिया गया है। ठीक है, आप आगे और मदद ले सकते हैं, कानूनी रूप से कर सकते हैं। सर, आप लोग कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं सर, अभी जैसे इसी के लिए तो यहाँ सड़क में उतरा गया है। नहीं, सड़क पर उतरना कोई सभी बातों का हल नहीं है। नहीं, हम लोग बस एक चाहते हैं कि रायमुनि को अरेस्ट किया जाए, रायमुनि को अरेस्ट किया जाए, तत्काल अरेस्ट किया जाए। हम लोगों को किसी टाइप का कोई ज्ञापन नहीं देना है, इस तरह का ज्ञापन उसने नहीं है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कानून व्यवस्था के साथ में आप लोग न्याय करेंगे, क्योंकि अगर धार्मिक भावना आहत करने की वजह से अगर आप लोग रूपनारायण एक्का को जेल डालते हैं, कानून धार्मिक भावना की आहत करने से अगर प्रेम कुमार गेडाम के ऊपर वारंट निकलता है, तो कानून व्यवस्था खराब करने के वजह से और धार्मिक भावना आहत करने के वजह से रायमुनि को जशपुर जिला प्रशासन क्यों सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए महोदय। मैं आपको बता चुका हूँ, भलीभांति जांच किया गया है, जांच करने के बाद जो भी सर, वो जो बोल रहे हैं कि ईसा मसीह को क्रूस में ठोक,
बैठो नीचे बैठो बैठो पीठ दिखा के बैठो पीठ दिखा के बैठो पीठ दिखाओ पीठ दिखा के बैठो। पानी चालू कर दिया गया है देखिए शांतिपूर्वक में देखिए इस तरह से कर रहे हैं इस तरह से नहीं कर रहे हैं। नीचे बैठो बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो इससे घंटे पानी चलेगा ज्यादा कहां चलेगा नीचे हाथ गिर रहे हैं लोग गिर रहे हैं लोग गिर कैसे ऐसे कर रहे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए यार ओए नीचे बैठो नीचे बैठो ऐसे कर रहे हैं देखिए ऐसे नहीं होना चाहिए था ऐसे नहीं होना चाहिए था ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए वाटर कैनर से पानी चला रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए बैठिए नीचे बैठिए ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ शासन को अलर्ट हटाइए आपका आने वाला कल समाज की ओर जा चुका है यही सुशासन का संदेश है जी बिल्कुल नहीं आज बलरामपुर में हस्तियों को घटना देख लीजिए आज छत्तीसगढ़ में रामनी भगत के द्वारा मिसाइयों का अपमान देख लीजिए ये छत्तीसगढ़ का सुशासन एक साल में कहीं नहीं दिखता है और हमारे ऊपर जिस तरह का बल प्रयोग किया गया है मेरे प्रिय जिस प्रकार आपने इन वीडियो क्लिप्स को देखा कि किस प्रकार मसीही समाज आक्रोश में आकर सड़कों पर हजारों की तादाद में मसीही लोग रायमुनि भगत का विरोध कर रहे हैं लेकिन मेरे प्रियो पुलिस प्रशासन रायमुनि भगत को बचाने की कोशिश कर रही है। मेरे प्रियो आपने वीडियो क्लिप में देखा होगा कि जो न्याय यात्रा है जो प्रदर्शन यात्रा है उसको पुलिस प्रशासन रोक ही रही है और वो भी वाटर कैनन से रोक रही है। मेरे प्रियो ये जो पुलिस प्रशासन है ये बीजेपी के चमचे हैं मैं तो यही कहना चाहूँगा क्योंकि रायमुनि भगत अभी बयान नहीं दी थी इसने कुछ दिन पहले पिछले महीने में उसने रायमुनि भगत ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की विशेष समुदाय यीशु मसीह के लोगों की निंदा की और यहाँ तक कि मसीही लोगों को और कई शब्दों से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया। इस बात को लेकर मसीह समाज ने छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ इसलिए मसीह समाज ने मैदान में उतरकर रायमुनि भगत के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया मोर्चा खोल दिया मैदान में उतर गए। अब ये चाहते हैं कि रायमुनि भगत अरेस्ट किया जाए रायमुनि भगत विधायक के पद से इस्तीफा दें। मेरे प्रियो आप जानते हैं कि रायमुनि भगत एक बीजेपी की विधायक है और विधायक पद जो होता है वो संवैधानिक पद होता है और जो संवैधानिक पद होता है वो किसी एक विशेष समुदाय को लेकर नहीं चलना होता है बल्कि संवैधानिक पद एक ऐसा पद होता है जिन्हें हर एक समुदाय को लेकर चलना होता है लेकिन रायमुनि भगत ये भूल गई है कि मैं संवैधानिक पद पर हूँ और मुझे एक विशेष समुदाय को लेकर टारगेट नहीं करना है बल्कि हर एक समाज को लेकर चलना है और इस प्रकार रायमुनि भगत ने मसीहों के खिलाफ में और यीशु मसीह का अपमान किया है इसलिए मसीह समाज ने ये आक्रोश दिखाया है और हम जितने भी मसीह लोग हैं मेरे प्रियो छत्तीसगढ़ के सारे मसीह भाई बहनों के लिए जसपुर के सारे मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और उनका सपोर्ट करें क्योंकि ये जो संवैधानिक पद पर रहकर आए दिन मसीही लोगों को और मसीह लोगों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। मेरे प्रिय आप जानते हैं विजय शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के लोगों का अपमान किया और जो पवित्र शब्द हालेलुया है उसका भी उन्होंने मजाक बनाया। मेरे प्रियो इसलिए इन सारे नेताओं को नहीं छोड़ना है जो मसीहों के खिलाफ में हैं जो मसीही लोगों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं ऐसे नेताओं को हमें कभी नहीं छोड़ना है उनके खिलाफ में ज़रूर हमें खड़े रहना है। हाँ
हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमें लड़ने में मदद करेगा और यहोवा ही खुद लड़ेगा। इसलिए इन सारे मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन मसीह समाज को बंद कर रही है, मसीह समाज को रोक रही है, मसीह समाज को अरेस्ट कर रही है। बल्कि इन जो विजय शर्मा है, रायमुनि भगत है, इनको बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ऐसे पुलिस प्रशासन के लिए भी प्रार्थना करें। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और उन मसीही विरोधियों से कहना चाहता हूं, कुछ भी नहीं कर पाओगे, हमारा यीशु मसीह महान है और यीशु मसीह की कृति यश सारे जहां में फैलेगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।